will help us to be safe on roads and avoid accidents and any other harmful or health hazardous incidents. So I'm very grateful that you came and make sure that all of us were aware about all the safety measures and the precautions that we can take, and all your guidance. We are very grateful and thankful to you. इनके लिए एयर बैग्स खुल जाते हैं गाड़ी में, हर गाड़ी में एयर बैग्स आते हैं। जब तक आप सीट बेल्ट नहीं डालोगे, एयर बैग्स जो है ओपन नहीं होंगे, आपको सेफ नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने देखा मोबाइल का इस्तेमाल कितना डेंजरस है, देखा कैसे वो लड़खड़ाता हुआ वापस गया और गिर गया। थैंक गॉड उसमें कोई गाड़ी नहीं थी, अगर जैसे वो गिरा तो गाड़ी निकल गई होती तो वो कुछ जाना यही होता। और हेलमेट पहन के आपने देखा बड़ा से बड़ा आया, हेलमेट क्रश हो गया बट मरीजों की जान बच गई। ये हमारी जो लाइफ है इसको बचाना है आपने, इसमें कोई रिप्ले नहीं है। एक बार हादसा हो जाता है बिना रोने के, उसका कुछ नहीं है, कोई हाथ भी नहीं आता, लेकिन लाइफ को बचाना जो है ये आपके हाथ में है। सेफ्टी मेजर से लेके चलें, इनकेस आप गाड़ी में ड्राइव करते हो ऑलमोस्ट ये बॉयज तो मेरे ख्याल से 80% चलाते हैं, बच्चियाँ और सकती हैं स्कूटी जो है 50% चलाते हैं। You can drive whatever exactly, but the safety of the others, those who are walking to the road, is very important. Now regarding the seat belt, now 2020 December, the month of December, 2001 December, I was not a person who was wearing seat belt on a regular basis. So I don't know why it so happened that I went with the car. You used to see when you were small kids, Alto car. I was going to Jammu that day. On a sudden, कहाँ से ख्याल आया पता नहीं मुझे, मैंने सीट बेल्ट पहन के गया। Now you know what happened in the BG. The BG, before the BG, I turned over with my vehicle. I went down. I was alone. See, only the reason I got saved, I am standing here still to trouble you only because of that I was wearing seat belt. I went down, rolling down, 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 and I was still alive over there and came back this way. I am a person who has personally witnessed the importance of seatbelt. Now because of that, now wherever I go, I used to wear seatbelt. Otherwise, when you go for a long journey, it is. कुछ आप कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज पूछ लीजिए। Something that annoys.
क्या वाच किया आपने, इसमें क्या देखा? ये सेफ्टी मेजर्स जो है, जानकारी होना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है इसको अमल में लाना। जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो लाइफ डेंजर में है, आपके घर वाले जो हैं आपकी राह देखते रहेंगे। तो बेटर है इसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने दोस्तों को बताना है, घर में जब भी आप घर से निकलते हैं हेलमेट पहन के निकलिए, आप आपके घर वाले या आपके रिलेटिव जो भी घर में आते हैं आप उनके सामने हेलमेट पहन के निकलोगे, आप भी एक मिसाल बनोगे, आपको देख के आपके घर वाले जरूर हेलमेट पहनेंगे। ऐसे ही सीट बेल्ट आपने देखा, स्कूल में एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया डिपार्टमेंट आपकी तरफ, व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से, आप क्या कहेंगे आरटीओ को छोड़ने के लिए? थैंक्स करता हूँ कि वेरी शॉर्ट टाइम में इन्होंने हमें टाइम दिया, मौका दिया यहाँ आने का। तो एक्चुअली आज हमारा नेपाली ऑफिस में चल रहा था, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस कर, इसी उपलक्ष्य में आज आए थे, हमने बच्चों को बताया है सेफ्टी मेजर्स, घर से जब भी निकले वो हेलमेट पहन के निकले, आप वो निकले या उनके बुजुर्ग निकलते हैं तो उनको हेलमेट पहना के निकले, और अगर कार पे निकलते हैं तो सीट बेल्ट डाल के निकले। उसके साथ साथ हमने इनको बताया है कि अंडर एज जो है गाड़ी चलाते हैं वो बहुत ही डेंजरस है घर वालों के लिए भी, उसके लिए 25,000 का घर वालों को चलान बुक करना पड़ेगा, और साथ साथ में 3 साल की सजा हो सकती है उनके पेरेंट्स को, और 1 साल की RC कैंसिल हो सकती है। तो ये हमने अवेयरनेस दी है, इसके साथ साथ हमने बच्चों को बताया और वीडियो भी दिखाई है कि कैसे हो रहा है, तो हेलमेट पहन के जो पसीना है वो कैसे सेव हो सकता है बड़ी गाड़ी के नीचे आने के बाद भी, और विदाउट जो है उसके सीट बेल्ट डालने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी के साथ वो मोबाइल का इस्तेमाल करना जो है बहुत ही डेंजरस है, जैसा मैं हमने इनको एक छोटी क्लिप में दिखाया और ऐसे। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से जो पेरेंट्स को किस तरह करना, जो लोग जो ओवर राइडिंग करते हैं, अंडर एज होते हैं, उनको गाड़ी देते हैं, इसके हवाले से आप क्या? मैं पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के गाड़ी मत, ये बहुत ही डेंजरस है आपके लिए भी, और जो पब्लिक रोड पर चल रही है उनके लिए भी वो डेंजरस है। ये बूस्टअप होते हैं बच्चों की, इतनी एज नहीं होती है, लाइसेंस बनने के बाद उनको अवेयरनेस होती है कैसे गाड़ी चलानी है, रोड सेफ्टी के नाम से पता होते हैं, वो हॉर्न कितना ब्लो करना है वो सब मालूम होता है। अदरवाइज ये पूंछ में जितने भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ओवर स्पीडिंग में बच्चे स्टंट मारते हैं, ये बहुत ही डेंजरस है, और इसका कोई रिप्ले नहीं है। इसके बाद में सिर्फ हाथ धोना पड़ता है, रोना पड़ता है कार में बैठ के, उससे पहले आप अपने बच्चों को समझाएँ रोड पर जब भी निकले वो बिना लाइसेंस के गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दें, और साथ साथ में जब लाइसेंस बन जाए तो हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरलोडिंग ना करें। यही मेरी थैंक यू सर।